नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो हमने काफ़ी सेटिंग इसकी कवर की थी दोस्तों, ड्यूल सिम और सेलुलर नेटवर्क की। तो दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं, उसी से कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था वो, इसलिए हमें पार्ट दो बनाना पड़ा दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी और जानकारी लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या इसमें होता है और कैसे हम इसको सेटअप करते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे आपको दिख रहा है, ऑलवेज मैंने बोल दिया था बार बार आपसे पूछेगा, अभी नीचे जो फीचर दिख रहा है दोस्तों, कॉल बैक फ्रॉम कॉल हिस्ट्री, यदि आप इसको इनेबल करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, यदि आपने किसी नंबर को पहले जियो नंबर से डायल कर रखा है या फिर आपका जियो नंबर पे कोई कॉल आया है, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा नहीं। जो भी सेटिंग रिलेटेड होती है दोस्तों, जैसे कॉल में आपको चूज़ करने के लिए बोला गया है, उसके नीचे जो भी सेटिंग होगी दोस्तों वो उसी के रिलेटेड होती है, उसका कहीं और कोई महत्व नहीं होता, वो उसी से रिलेटेड होती है। अभी कॉल करेंगे उसी की ये सेटिंग नीचे है दोस्तों। तो यही है, जब आपका जियो नंबर पर कोई कॉल आया है या फिर BSNL नंबर पर कोई कॉल आया है और आप उसको डायरेक्ट कॉल करते हैं दोस्तों और ये अनेबल है आपका, तो ऑटोमेटिक वो उसी नंबर से कॉल चला जाएगा आपका, समझ रहे हो दोस्तों। यानी कि आपसे पूछेगा नहीं कि आपको जियो नंबर से करना है कि BSNL से। यहाँ पे गलती एक बार ये होती है दोस्तों, कई बार ऑन करने से भी फ़ायदे हैं और ऑन नहीं करने से भी फ़ायदे हैं दोस्तों। अभी मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे आप ऑन करते हो दोस्तों और आपका BSNL का जो, जैसे मेरा सिम है दोस्तों, तो उसमें मैं नॉर्मली चार्ज करता हूँ, कोई स्पेशल पैक नहीं डलवाता हूँ, तो वहाँ कॉल चार्जेज मेरे लगते हैं दोस्तों। जियो के नंबर में मैं अनलिमिटेड करवा के रखता हूँ, तो कॉल वगैरह के चार्जेज नहीं लगते हैं। पर यदि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और कोई नंबर BSNL, क्योंकि पुराना नंबर है दोस्तों, तो वहाँ पर कॉल आता है और मैं जब क्लिक कर दूँ और ये ऑन कर रखा है, तो ऑटोमेटिक वो BSNL वाले से कनेक्ट होगा और मेरे पैसे कट जाएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा कि ये BSNL वाले नंबर से मेरा कॉल चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसको ऑन नहीं करूं तो, ऑन नहीं करूं तो दोस्तों ऐसा होता है, जैसे आपका कोई दोस्त है जो आपको, या फिर कोई ऐसा टीचर है, मैडम है, या फिर कोई रिलेटिव है जो आप, जिनके पास आपका वही नंबर है और जियो का नंबर नहीं है, और आपको वो आपको कॉल करते हैं, मिस कॉल मार के छोड़ देते हैं, और आप फिर जियो वाले नंबर से उनको कॉल करते हैं, तो वो पहचान नहीं पाते आपको कि यार, क्योंकि उन्होंने तो आपका BSNL नंबर पर कॉल किया था। ड्यूल सिम मोबाइल में ये कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, और उस टाइम पे ये हो जाता है, आप कौन बोल रहे हो, 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 और हो सकता है कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती है दोस्तों थोड़ी। तो इसलिए वही है दोस्तों, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है दोस्तों, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको करना है कि नहीं करना है। आपको पता चल गया कि क्या इफेक्ट हैं इसके, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम बैक साइड में चले जाते हैं वापस। और ये इंटरनेट के लिए दोस्तों, आपने मोबाइल डाटा तो ऊपर ऑन ऑफ कर लिया, पर कौन सी सिम का, आपको कौन सी सिम का डाटा यूज़ करना है, तो वो आपको यहाँ पे सेटिंग करना होगा दोस्तों। जैसे ही आप सेटिंग करेंगे, वहीं से सिम का डाटा आपका ऑन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम नीचे आते हैं, ड्यूल चैनल नेटवर्क एक्सेलरेशन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है दोस्तों कि जैसे आप ड्यूल चैनल करते हैं, तो आपका जो भी, जैसे आप वाईफाई वगैरह से कनेक्ट करते हैं मोबाइल, तो आपकी स्पीड को वो बढ़ा देता है आपका, यदि उसको ज़रूरत होती है तो वाईफाई का नेटवर्क भी थोड़ा यूज कर लेता है और थोड़ा मोबाइल डाटा भी वो यूज़ कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्मार्ट फीचर होता है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक अपना मोबाइल कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि भाई मेरा मोबाइल डाटा, जब मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ तो मोबाइल डाटा क्यों जाएगा, मैं तो उसको बचाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बात भी सही है, तो उस टाइम पे आप इसको ऑफ ही करके रख दें। यदि आपको डाटा ही बचाना है वाईफाई के दौरान, तो आप इसको ऑफ करके रख दें। यदि आपको स्पीड बढ़ानी है, तो आप इसको ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऊपर है, आपको करना है कि नहीं करना है। अब आते हैं दोस्तों डाटा यूजेज दिस मंथ। दोस्तों इस महीने का मेरा डाटा यूजेज जितना हो गया आपको दिखाई दे रहा है, डाटा रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो डाटा कब आपका स्टार्ट डेट हो, यानी कि मंथली बेसिस पे जो प्लान होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें कब आपका बिल आए, यानी कि कब से काउंटिंग स्टार्ट हो, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जब आपने रिचार्ज करवाया, जब से आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे आप डाटा रिमाइंडर का ऑप्शन चूज़ करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको अलग अलग मोबाइल के थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो जो सेटिंग चेंजेज हो सकती है मैं बताता भी हूँ दोस्तों, और कोई मिस भी हो जाती है तो आपको समझना चाहिए कि अलग अलग कंपनी का थोड़ा 19-20 सेटिंग होती है दोस्तों, हमेशा होती है, क्योंकि कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा फीचर दे देता है, कोई कम दे देता है। जैसे NFC जो होता है दोस्तों, NFC का आपको पता होगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिससे कई हैकिंग की भी प्रॉब्लम आई है दोस्तों। नई टेक्नोलॉजी है, लोगों को समझ में नहीं आता, और जब तक हैकर उसका फ़ायदा उठा लेते हैं दोस्तों, इसलिए मैं ये वन बाई वन जो सेटिंग कवर करने वाले वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों में। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने 1 GB यूज कर रखा है, ये सिलेक्ट कर रखा है, तो क्या होगा, जैसे आपका डेली में एक दिन का है दोस्तों, ये ऐसा मत सोचिए कि महीने का, एक दिन में जैसे आप 1 GB डाटा यूज़ कर लेंगे और आपका पैक है 1.5 GB का, तो आपको ये मैसेज करेगा वहाँ पर
कि आपने 1 GB डाटा आपका यूज कर लिया है, आप क्या चाहते हैं कि कंटिन्यू रखें या फिर बंद कर दें। तो दोस्तों आपको एक रिमाइंड हो जाता है, हाँ यार इतना डाटा मैंने यूज कर लिया, अभी इतना बचा है, उसको कैसे मैं बाकी दिन मुझे निकालना है या कैसे यूज करना है, वो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका पता चल गया आपको। अभी नेटवर्क कनेक्शन कंट्रोल डाटा सेविंग, तो दोस्तों इसमें चलते हैं। इसमें दोस्तों जो जो एप्लीकेशन आपकी डाटा यूज़ कर रही है तो वो तमाम तरह की सेटिंग यहाँ पे मिलती है, और आप इसमें चूज़ कर सकते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा आपको नेटवर्क उसको यूज़ करवाना है या फिर बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये सभी तरह की सेटिंग आप किसी भी ऐप में कर सकते हैं दोस्तों। अभी वापस चलते हैं हम लोग और डाटा सेविंग में आते हैं दोस्तों। डाटा सेविंग क्या होता है दोस्तों? डाटा सेविंग का मतलब होता है दोस्तों जो ऐप को आपको अलाउड नहीं कर रखा बैकग्राउंड में चलने के लिए, वो ऐप ऑटोमेटिक आपके बैकग्राउंड डाटा एक्सेस करना बंद कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों इसमें आ भी गया, ईमेल जो भी नेटवर्क है वो ऑटोमेटिक पीछे का जो डाटा आपका बैकग्राउंड में यूज़ करते रहते हैं वो बंद कर देंगे दोस्तों। ठीक है, पर ये देखिए दोस्तों जैसे मैं बता रहा था जिसको आपने सिलेक्ट कर रखा है बैकग्राउंड डाटा यूज़ करने के लिए, तो वो ये यहाँ पे 37 ऐप मैंने चूज़ करके दोस्तों, और ये 37 आपने चूज़ नहीं भी किए दोस्तों जो क्योंकि जो भी आप एप्लीकेशन नए इंस्टॉल करते रहते हैं तो उसमें भी ऑटोमेटिक ये अनेबल रहता है और ये यहाँ पे जुड़ते रहते हैं वो। तो 10-15 दिन में आप इसको देख लें नए नए एप्लीकेशन कौन कौन से मैंने डाले थे और वो यहाँ पे जरूर मिलेंगे, आप उनको यहाँ से हटा देंगे तो वो बैकग्राउंड डाटा यूज़ करना बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी ये सेटिंग हो गई दोस्तों कंप्लीट। यदि कुछ बची है, मिस हो गई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये भी आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करते और दोस्तों में शेयर नहीं करते तो दोस्तों उसके व्यूज़ वगैरह नहीं आते, लाइक इतने अच्छे नहीं आते, तो मोरल डाउन हो जाता है, अगला वीडियो बनाने का मन नहीं करता दोस्तों। इसलिए मैं चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ ऐसी सेटिंग जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपकी सेफ्टी के साथ साथ आपके परिवार की और आपके दोस्तों की सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।